खान एसआरएम ब्रिटेन से। आइए नीलम एडवोकेट से बात करते हैं, बाद नंबर कनाड 10 से। बहन जी आप बताएंगे, आप जो मुद्दा लेकर चुनाव में खड़े हो आम आदमी पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आम आदमी पार्टी से बाढ़ में पार्षद प्रत्याशी हूँ, एडवोकेट नीलम चौधरी, वार्ड नंबर 10 से, जयनगर दक्षिण प्रथम से। देखिए बाढ़ में समस्याएं हैं, वो सभी लोगों को पता है कि किस तरीके की समस्याएं व्याप्त हैं, और उनको समय समस्याओं का समाधान करना ही मेरा मकसद है, लक्ष्य है। बाढ़ को विकास के तौर पे नंबर वन बनाना है, ताकि हमारा वार्ड नंबर 10 झांसी नगर निगम में विकास के तौर पे नंबर वन बन सके। जैसे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उन्हें देखिए विशेष एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, ताकि वो स्वावलंबी हो सके, सशक्त हो सके, वो घरों से बाहर निकल सके। जैसे कि आजकल महिलाओं के लिए सुनवाई नहीं हो रही, जो कि अपने मतलब और भी दिखाती है तो भी उनकी सुनवाई नहीं होती, जो कि अत्याचार हो रहा उनके साथ आजकल बहुत ज्यादा, तो उनके लिए आप क्या अलग से करना चाहिए कि उनकी सुनवाई हो? देखिए अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए हम जन चौपाल में भी महिलाओं के यहाँ पर चौपाल के माध्यम से भी उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, जो उनके घरेलू हिंसा के मुद्दे हैं उन कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सुलझ जाएं, नहीं सुलझते हैं तो उसको कोर्ट के माध्यम से भी उनको निपटाने का कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ महिलाओं को जो हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, उसकी जानकारी देके उसके तहत भी महिलाओं को जो सहायता है, विधिक सहायता, वो उपलब्ध कराएंगे, कानून से उन्हें मदद दिलाएंगे, और महिलाओं को के साथ अत्याचार ना हो इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु बाढ़ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग प्रबंध करेंगे। बहन जी जैसे कि आजकल क्या जा रहा है, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, यहाँ पर कोई स्कूल है सरकारी? हमारे बाढ़ में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल करवाएंगे उपलब्ध, अगर बाढ़ में जनता हमें चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो बाढ़ में एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल खुलवाएंगे, जो कि विश्व स्तरीय शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलनी चाहिए, जिस पर उनका अधिकार है वो हम उन्हें मुहैया कराएंगे। बाढ़ में हमारे सरकारी अस्पताल नहीं है, अस्पताल भी मुहैया कराएंगे। थैंक यू सो मच।